खुशी है तेरी यादों से हमें तेरी बातों से तेरे नींद में आते। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस आप कुछ इस तरीके का लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले गाइस आपको अपना कॉइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। कॉइन मास्टर ऐप ओपन करने के बाद ही आपको इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सिलेक्ट करने के बाद ही आपको करना क्या है, सेटिंग पे क्लिक करना, एडिटिंग पे आ जाना और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है और इसकी डिफिकल्टी ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 3 पॉइंट कर लेनी है। 3 पॉइंट करने के बाद आपको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद ही आपको करना क्या है, यहाँ पे कर देना है मीडिया पे क्लिक। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे अपनी सभी पिक को ऐड कर लेना। तो यहाँ पे गाइस जो भी अपनी पिक ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आपको अपनी सभी पिक ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी सभी पिक ऐड कर लेना। सभी पिक ऐड करने के बाद ही आपको करना क्या है, सिंपली आपके यहाँ पे जो पिक सही से ऐड ना हो तो पिक के ऊपर क्लिक करना और इस पैन जूम के ऑप्शन में क्लिक करके इक्वल करके इस तरीके से आपको अपनी सभी पिक को सही से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस इन सभी पिक को जल्दी से मैं ऐड करके आपको दिखा देता। तो जैसा गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी सभी पिक को सही से ऐड कर दिया। सही से ऐड करने के बाद ही आपको करने क्या है, इन सभी पिक का आपको यहाँ पे इस तरीके से वेगनेट ओपन कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको अपनी सभी पिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे वेगनेट का ऑप्शन मिलेगा। तो वेगनेट के ऑप्शन पे जाके इस तरीके से आपको यहाँ पे वेगनेट ओपन कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इन सभी पिक का वेगनेट ओपन कर दिया। वेगनेट ओपन करने के बाद ही आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद ही आपको इन पे ट्रांजेक्शन ऐड कर देने हैं। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए आपको इस व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे प्रेजेंटेशन पे जाना और प्रेजेंटेशन पे जाने के बाद ही आपको करना क्या है, यहाँ पे ये अपना जो मन हो अपना सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसकी स्पीड इस तरीके से कर देना है और फिर से व्हाइट ऑप्शन भी क्लिक करना है और सिंपली आपको नीचे पिक्चर एंड पिक्चर पे चले जाना और यहाँ पे ये टिल्स वाला क्लिक करना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर से आपको नीचे को और आना है और फंड ट्रांजेक्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे मनी क्रिकल वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर देना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाना और यहाँ पे जूम आउट वाला सिलेक्ट कर देना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे फिर से प्रेजेंटेशन पे जाना और यहाँ पे आपको स्लाइड पे क्लिक करना है और लेफ्ट राइट पे क्लिक करना और राइट पे क्लिक करके इस तरीके से टिक करना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आपको नीचे इस पे पिक्चर एंड पिक्चर पे चले जाना और यहाँ पे आपको जो मन हो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना और यहाँ पे कर देना है टिक। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है। अब नीचे आपको फंड ट्रांजेक्शन पे जाना और फिर से आपको यहाँ पे मैनी क्रिकल वाला सिलेक्ट कर देना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और नीचे क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाके क्रॉस फिट वाला सिलेक्ट कर देना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको प्रेजेंटेशन पे जाके आपको यहाँ पे कवर के ऊपर क्लिक करना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना और यहाँ पे आपको नीचे जाना है और फंड ट्रांजेक्शन पे जाके मनी क्रिकल वाला ही सिलेक्ट कर देना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना तो नीचे क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाके जूम आउट वाला सिलेक्ट कर देना है और इन सभी पिक की लेंथ को आपको कुछ इस तरीके से छोटा कर देना है। तो इन सभी पिक की लेंथ को आपको इस तरीके से छोटा कर देना है। तो यहाँ पे मैं गाइस इन सभी पिक की लेंथ को छोटा कर दे रहा हूँ तो आपको भी इसी तरीके से अपनी सभी पिक की लेंथ को छोटा कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इन सभी पिक की लेंथ को छोटा कर दिया। पिक की लेंथ छोटा करने के बाद ही आपको करने के इस वीडियो का लेना है सेव। सेव करने के लिए आपको इस शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे 1080 रेशियो सेलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ही लाइनिंग पूरी हो जाएगी तो गाइस आपका वीडियो यानी कि गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो यानी कि सेव हो गया। सेव होने के बाद ही आपको यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने के बाद ही आपको इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और फिर से आपको 16x9 का साइज सेलेक्ट कर लेना है। 16x9 का साइज सेलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है और एडिटिंग पे आ जाना। आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देना है टिक। टिक करने के बाद आपको मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद ही आपको करने क्या है, यहाँ पे आपको फिर से अपनी 3-4 पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप जो भी अपनी 3-4 पिक ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आपको 3-4 पिक ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी 4 पिक ऐड कर ली। 4 पिक ऐड करने के बाद इस आपको करने का सिंपली आपके यहाँ पे जो पिक सही से ऐड ना हो तो पिक के ऊपर क्लिक करना है और पैन जूम का ऑप्शन में क्लिक करके इक्वल करके इस तरीके से सही से ऐड कर देना है। सही से ऐड करने के बाद इस आपको करने के सबसे पहले इन सभी पिक का आपको यहाँ पे वेगनेट ओपन करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी सभी पिक का वेगनेट ओपन कर देना है। वेगनेट ओपन करने के बाद इस आपको इन पे भी ट्रांजेक्शन ऐड कर देने हैं। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए इस आपको इस व्हाइट ऑप्शन पे जाना है
और नीचे आपको फंड ट्रांजेक्शन पे जाना और मैनिक्रिकल वाला सिलेक्ट कर देना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर से आपको नीचे जाना है और नीचे आपको यहाँ पे पिक्चर एंड पिक्चर पे चले जाना और वीडियो टेल्स पे क्लिक करना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और क्लासिक ट्रांजेक्शन पे जाके ये जूम आउट वाला सिलेक्ट कर देना है। जूम आउट वाला सिलेक्ट करने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आना है और लेयर पे क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद सबको मीडिया पे चले जाना। मीडिया पे जाने के बाद सबको करने के सिंपली आपको यहाँ पे ये अपना ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आपने अभी एक्सपोर्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबको इस तरीके से कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद सबको यहाँ पे करना है टिक टिक करने के बाद सबको फिर से लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना। मीडिया पे जाने के बाद सबको करने का सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अगर इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सबको इस थ्रीआउट पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे ऐड करना है और सबसे पहले इसका ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद सबको नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना और इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद सबको करने का है सिंपली इसकी एडजस्टमेंट पे जाना है, इसका कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद सबको करने का अपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना और इसको इस तरीके से रोटेट करके इसको इस तरीके से जूम करके इस वाले फ्रेम के अंदर आपको अच्छे से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ही सबको करने के यहाँ पे कर लेना है टिक। टिक करने के बाद सबको इसके लास्ट का ऑप्शन पे आना और इस पिक के ऊपर क्लिक करके इसकी पिक की लेंथ को छोटा कर देना है और यहाँ पे इस टेम्पलेट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। कैंची का ऑप्शन में क्लिक करके टेम्पलेट अपलेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद ही सबको करने के सिंपली आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना। मीडिया पे जाने के बाद ही सबको करने के सिंपली आपको यहाँ पे अपनी पिक सिलेक्ट कर लेनी है। पिक सिलेक्ट करने के बाद ही सबको क्रॉपिंग पे जाना है और मास्क इनेबल करके स्पेस पे जाना है और यहाँ पे आपको गोला सिलेक्ट कर देना है। गोला सिलेक्ट करने के बाद ही सबको करने के सिंपली आपको यहाँ से हो जाना बैक और हल्का सा फेदर बढ़ा देना और फेदर बढ़ाने के बाद सबको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद सबको इस फ्रेम के अंदर आपको अच्छे से ऐड करना है। अच्छे से ऐड करने के बाद ही सबको करने के थ्रीआउट क्लिक करके इसको सेंड बैक कर देना है और इसको हल्का से छोटा कर देना है। तो इस तरीके से छोटा करने के बाद सबको इसकी लेंथ को लास्ट तक ले जाना है। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आना है और स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको फिर से लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना। मीडिया पे जाने के बाद सबको यहाँ पे एक और न्यू पिक ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पिक ले लेना और इसकी क्रॉपिंग पे जाके मास्क इनेबल करना है, स्पेस पे जाना और इस पर हार्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। इस तरीके से इसको आपको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद सबको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद सबको इसको हल्का सा छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद सबको इस तरीके से रोटेट करना है और इस वाले हार्ट के अंदर ऐड कर देना है। थ्री रॉड पे क्लिक करना है, इसको सेंड बैक कर देना है और यहाँ पे इसके क्रॉपिंग पे जाके इसका फेदर कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है और यहाँ पे आपको कर लेना है टिक। टिक करने के बाद सबको करने के इसकी लेंथ को लास्ट तक ले जाना। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आना है और इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। थ्री रॉड पे क्लिक करके इसको सेंड बैक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से ऐड हो गया है। तो इस तरीके से ऐड होने के बाद ही सबको करने का है सिंपली इस पिक को हल्का सा नीचे को कर देना है तो जिससे ये सही से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया है। तो इस तरीके से होने के बाद सबको यहाँ पे करना है टिक। स्टार्टिंग पे आना और लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे चले जाना है और फिर से आपको एक पिक और ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक और पिक ले रहा हूँ, इसकी भी आपको क्रॉपिंग पे जाके मास्क इनेबल करना है, स्पेस पे जाना और यहाँ पे ये हार्ड सेलेक्ट करके इस तरीके से इसको यहाँ पे क्रॉप कर देना है और यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद सबको इसको छोटा करके इस वाले हार्ड के अंदर आपको ऐड कर देना है। इस वाले हार्ड के अंदर ऐड करने के बाद ही सबको करने के सिंपली आपको इस थ्रीआउट पे क्लिक करना है, इसको सेंड बैक कर देना है और इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस थ्रीआउट पे क्लिक करना है, इसको सेंड बैक करके इस तरीके से कर देना और इस पिक की लेंथ को आपको लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद भी सबको करने के इसकी क्रॉपिंग पे जाना और इसका फेदर हल्का सा आपको बढ़ा देना है जिससे कि एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रॉप कर दिया। यहाँ पे आपको कर लेना है टिक। टिक करने के बाद सबको करने का सिंपली स्टार्टिंग पे आना और यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद सबको मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद ही सबको यहाँ पे वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सबको इस थ्रीआउट पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे ऐड करना है और इसकी लेंथ को आपको लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक ले जाने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद ही सबको करने के सिंपली आपको इस पे ऑडियो ऐड कर लेना है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए सबको ऑडियो ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से कोई भी ऑडियो सेलेक्ट कर लेना और इसके लास्ट के ऑप्शन पे जाके ऑडियो ऊपर क्लिक करना है। कैंची को ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम टू ऑडियो प्ले करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो ने कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से बना है। तो जैसा गाइस देख सकते हो वीडियो काफी कमाल का बन गया है। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करना है क्या, सिंपली आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा तो शेयर के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पे 1080 रेशियो सेलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है।